हेलो दोस्तों, मैं कृष्ण सहरावत एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पोस्ट इन्फो एंड वन पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि फिनेकल में हम लोग कस्टमर को चेकबुक कैसे इशू कर सकते हैं सेविंग्स के अकाउंट को। दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा था कि हम लोग स्टॉक में कैसे चेकबुक को लेते हैं और कैसे उनको स्प्लिट करते हैं, वो सारी प्रोसेस हमने देखी थी। अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो अभी स्क्रीन पे आपके लिंक आ रहा होगा, वहाँ से आप जाके एक बार देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, चेकबुक इशू करने से पहले सबसे पहले ये चेक कर लेना है कि कस्टमर के सिग्नेचर अपडेट हैं कि नहीं। तो उसको CTM मेनू से हम लोग चेक कर सकते हैं। CTM मेनू में उसका अकाउंट नंबर डालने के बाद में विड्रॉल में जाके यहाँ पे आपको छोटा सा एक मैन आदमी जैसा सिंबल दिखेगा, उस पर क्लिक कर सकते हैं। नहीं तो डायरेक्ट F9 भी प्रेस कर सकते हैं। वो जैसे ही F9 प्रेस करेंगे तो आपको उसका सिग्नेचर दिखेगा कस्टमर का। अगर वो सिग्नेचर मैच होता है आपका तो आप उसको इशू कर सकते हैं चेकबुक। दूसरा तरीका, नहीं तो आप IES मेन्यू में जाके वहाँ से आप उसका सिग्नेचर देख सकते हैं CIF नंबर डालने के बाद में। तो चलिए चेकबुक इशू करते हैं। चेकबुक इशू करने के लिए मेन्यू रहेगा HICHB। तो ये मेन्यू आपको मेन्यू शॉर्टकट में डालना पड़ेगा और गो पे क्लिक कर लेना है। तो आपकी इशू चेकबुक की स्क्रीन आएगी आपके सामने। फंक्शन में आपको इशू सेलेक्ट कर लेना है और अकाउंट आईडी आपको कस्टमर की सेविंग्स की अकाउंट आईडी यहाँ पर डालनी है। ये डालने के बाद टैब प्रेस करेंगे तो उसकी सोल आईडी और नाम दिखेगा, उसके नीचे चेक टाइप होगा। चेक टाइप के सर्चर पे क्लिक कर लेना है और वहाँ से आपको CHQ चेक्स दिखेंगे, उस पर क्लिक करना है। दोस्तों, यहाँ से आप दो तरीके से इशू कर सकते हैं। अगर आपको टोटल सभी यहाँ पे चेकबुक दिखने चाहिए तो यहाँ पे सीधा डायरेक्ट गो पे क्लिक करेंगे तो सभी यहाँ पे चेकबुक आपको दिखाई देंगी। तो इसमें से जो भी आपको चाहिए उस पर सेलेक्ट करके सबमिट करना है। जैसे फर्स्ट वाली चाहिए तो फर्स्ट वाली पे यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद में और नीचे सबमिट का बटन दिखेगा, उस सबमिट के बटन पे क्लिक कर सकते हैं। एक तो तरीका दोस्तों ये है, सीधा यहाँ से सबमिट हो जाएगी, सेम HICHB में वेरीफाई करा लेना है। और दूसरा तरीका दोस्तों, सेम फंक्शन में इशू लिखना है, अकाउंट आईडी आपको सेविंग्स की कस्टमर की, और चेक टाइप में आपको चेक सेलेक्ट कर लेना है सर्चर से जाके, और आपको बिगिन चेक अल्फा दिखेगा फ्रॉम नंबर और टू नंबर, तो फ्रॉम नंबर वाले पे क्लिक कर लेना है। तो आपको वो लिस्ट जो बाद में दिखेगी वो यहाँ पे अभी दिखने वाली है। तो यहाँ से आपको जो भी चेकबुक चाहिए यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं आप। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे, प्रोसेसिंग में थोड़ा टाइम लेगा, उसके बाद में आपको यहाँ पे चेकबुक का फ्रॉम नंबर और टू नंबर यहाँ पे दिखेगा, 5322-61 से लेके 5322-80। उसके बाद गो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ आपको एक ही दिखाई देगी जो आपने अभी सेलेक्ट करी है। वैसे पहले यहाँ पे बहुत सारी क्वांटिटी में दिखाई दे रखी थी। अभी इसके चेकबॉक्स पे यहाँ पे टिक करेंगे और सबमिट करेंगे। तो जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे तो सबमिट पे क्लिक करने के बाद में आपका मैसेज आएगा, चेकबुक इशूड सक्सेसफुली टू अकाउंट नंबर। बाद में HICHB में सुपरवाइज़र के मेन्यू में जाके इसको वेरीफाई करा लेना है और कस्टमर को हैंड ओवर कर देना है। तो दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।